आइए दोस्तों पाइथन में पार्ट 190 देख लेते हैं, जिसमें हम रिटर्निंग डिक्शनरी लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस कोड को रन कर देते हैं और उसके बाद हम समझा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही पार्ट था, उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ रिटर्न लिख दिया है, जो कि हमने डी को रिटर्न कर दिया है। यहाँ पर हमारी डिक्शनरी थी और यहाँ पर शो फंक्शन था, जिसके अंदर हमने डिक्शनरी पास करी और उसको हमने एक नए वेरिएबल में असाइन कराया। तो यहाँ से जब हमारा शो फंक्शन कॉल होगा तो देखिए दोस्तों वो यहाँ जाएगा, यहाँ से ये रन होके रिटर्न में आएगा और रिटर्न से ये दोस्तों इसी में वापस आएगा और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कराया न्यू वेरिएबल में। तो यहाँ पर न्यू वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इसका डेटा टाइप हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी प्रिंट हुई है, उसका डेटा टाइप प्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये फॉर लूप से आया है दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर हमने हमारी डिक्शनरी को फिर प्रिंट कराया, जो कि न्यू वेरिएबल से प्रिंट कराया हमने, और यहाँ पर उसका डेटा टाइप चेक कराया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आया है। मतलब ऊपर वाला जो कोड दिखाया था मैंने 189 में, ये सेम है, बस यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर रिटर्न लिया है और रिटर्न के बाद इसको यहाँ पर प्रिंट कराया है और इसके डेटा टाइप को कराया है। इसी को रिटर्निंग कहते हैं डिक्शनरी का। ठीक है, ओके, थैंक यू।